हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक खत्म होने के बाद भारत एक बार फिर चुनावी मोड में है। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया है। इन दोनों राज्यों में चुनावों के ऐलान के साथ साथ वायनाड, केदारनाथ और यूपी की 9 सीटों पर चुनावों का ऐलान हुआ है। अब आपको बताते हैं कि कहां पर कब मतदान होगा और कब परिणाम आएंगे। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान किया जाएगा और 23 नवंबर को परिणामों की घोषणाएं हो जाएंगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 5 करोड़ पुरुष वोटर हैं और 1 लाख पोलिंग बूथ पर महाराष्ट्र की जनता वोट डालने निकलेगी। महाराष्ट्र में कुल वोटर्स की संख्या 9,63,00,000 है। चुनाव आयोग ने मुंबई में पोलिंग बूथ बढ़ाने की बात भी कही है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में होगा मतदान। झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान किया जाएगा, तो वहीं 23 नवंबर को झारखंड के चुनावों का परिणाम आएगा। आपको बता दें कि झारखंड में 1,31,00,000 पुरुष वोटर है, तो वहीं महिलाओं की संख्या 1,29,00,000 है। झारखंड में हर बूथ पर करीब 881 वोटर्स है, तो वहीं झारखंड में कुल वोटर्स की संख्या 2,60,00,000 की है। 29,562 बूथ पर झारखंड की जनता वोट डालने निकलेगी। अब आपको बताते हैं कि उन सीटों पर जहां उपचुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान खाली हुई सीटों पर भी चुनाव आयोग ने मतदान कराने का फैसला किया है। यूपी में 13 नवंबर को 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा। राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने के बाद अब 13 नवंबर को फिर से लोकसभा का उपचुनाव होगा, तो वहीं उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव होगा। उपचुनावों के नतीजे भी 23 नवंबर को ही घोषित होंगे। इस तरह की तमाम बड़ी जानकारी के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।